हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट, दैट इज सिंगल लिंक्ड लिस्ट। तो इसको अदरवाइज बोला जाता है वन वे लिस्ट, क्योंकि एक ही तरह से, एक ही साइड से वो पॉइंटर पॉइंटेड रहता है, वो मैं दिखाऊंगी आपको। फिर इच नोड कंटेन डेटा फील्ड एंड वन पॉइंटर, तो एक नोड में दो पोजिशन होते हैं, एक डेटा फील्ड और एक पॉइंटर। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, आप लोग को ईजी होगा समझने में। तो इसको नोड बोला जाता है, वो तो आपको पता है ऑलरेडी, राइट? सारे नोड्स हैं। तो क्या होता है, ईच नोड कंटेन डेटा फील्ड एंड वन पॉइंटर। तो ये है हमारा डेटा फील्ड, ये है पॉइंटर। डेटा फील्ड स्टोर्स इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। एंड पॉइंटर्स पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड, तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट लिखा जाता है। तो ये पर्टिकुलरली नेक्स्ट क्या है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, यहाँ पे स्टोर होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। एंड इट इज नॉट नेसेसरीली कंटिग्यूस, मतलब एक के बाद एक वैल्यू, जैसे हमारा ये एरे और क्यू, ये सब क्या है, कंटिग्यूस है, लाइक कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट एंड विच इज कंटिन्यूसली अरेंज्ड, एक के बाद एक स्टोर रहता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूसली रहेगा। लेकिन यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरीली कंटिग्यूस, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 1 के बाद ही आएगा, कोई भी वैल्यू कहीं पे भी आ सकता है। एंड लास्ट नोड कंटेन अ नल वैल्यू, देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट नोड है, इसके बाद कोई और नोड तो कनेक्टेड है नहीं, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारा नल रहेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखती हूँ, 11 12 15 एंड 16। तो यहाँ पे ऐसे कुछ वैल्यू होंगे, इसी तरह से ये अरेंज होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ए लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड ऑफ द सेम टाइप एंड हेंस इट इज डिक्लेयर्ड। तो मैं डिक्लेरेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट आपको बताती हूँ कैसे होगा, जो आप कोडिंग लिखेंगे या फिर प्रोग्राम लिखेंगे उसमें कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो उसमें और एक चीज, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्ट पॉइंटर इज मेंशन बाय अ स्टार्ट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्ट नोड, ये एक स्ट्रक्चर है इसीलिए स्ट्रक्ट लिखा गया। फिर इंट इन्फो एंड स्ट्रक्ट नोड और एक पॉइंटर डिक्लेयर हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा डिक्लेयर किया जाता है एक स्ट्रक्चर को, ये और स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड हम लोग ने पहले डिक्लेयर किया, नोड नोड में क्या क्या प्रेजेंट है, इन्फॉर्मेशन एंड नेक्स्ट। सो इंट इन्फो क्योंकि उसमें इंटीजर वैल्यू है, एंड नेक्स्ट स्ट्रक्ट नोड जो कि एक पॉइंटर हम लोग ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जो कि है स्टार नेक्स्ट। तो इसी तरह से सिंगल लिंक लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंगल लिंक लिस्ट में ना बहुत सारे ऑपरेशन रहते हैं, जैसे पॉसिबल मतलब पॉसिबल ऑपरेशंस ये हैं कि ट्रैवर्सिंग अ सिंगल लिंक लिस्ट, देन इंसर्शन ऑफ द सिंगल लिंक लिस्ट, इंसर्शन ऑफ अ नोड इन द सिंगल लिंक लिस्ट। अब फिर इंसर्शन में भी बहुत तरह के होते हैं, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, एट अ गिवन लोकेशन। फिर डिलीशन भी उसी तरह, बिगिनिंग एंड स्पेसिफिक लोकेशन गिवन लोकेशन। फिर मर्ज ऑफ टू लिंक लिस्ट, फिर सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट, शॉर्टिंग एन एलिमेंट, रिवर्सिंग द लिंक लिस्ट। इसी तरह से बहुत सारे ऑपरेशन हैं लिंक लिस्ट का, और लिंक लिस्ट इसीलिए सबसे डिमांडेबल टॉपिक है इन डेटा स्ट्रक्चर, और सबसे लार्जेस्ट चैप्टर भी है, जो ऑपरेशन हम लोग अगले वीडियोज में कवर करते हुए चलेंगे।